नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपका बिजनेस एक स्मॉल स्केल है, आप स्टार्टिंग मार्केटिंग पे आपका बजट नहीं है, तो आप कैसे ये पांच मार्केटिंग स्ट्रेटजी के हेल्प से अपना बिजनेस जो है शुरू कर सकते हैं, अपना बिजनेस का मार्केटिंग शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे डेफिनेटली किस लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, सेल्स के प्रति, तो इस डायरेक्शन में आप अपने बढ़ने की कोशिश करते हैं। सो मैं रवि रंजन आपका बिग फैक्शन यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं ये ऑब्जर्व किया हूं कि लोग जो होते हैं मार्केटिंग के बारे में जब भी बात करते हैं तो मार्केटिंग या फिर प्रमोशंस को एक इक्वल मान लेते हैं या फिर उसमें कुछ डिफरेंसेस नहीं मानते। उनको लगता है अगर वो मार्केटिंग कर रहे हैं तो वो प्रमोशन ही कर रहे हैं, उस प्रमोशन से उनको सेल्स आने वाली है। जी नहीं दोस्तों, आज के लिए आपको ये समझना कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग एक अलग प्रोस्पेक्ट है आपके बिजनेस के लिए और प्रमोशंस जो है वो अलग प्रोस्पेक्ट है आपके बिजनेस के लिए। ये दोनों कभी भी एक समान चीजें नहीं है, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। सो आज के टाइम पे जो लोग सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं या कह सकते हैं जहां पे रॉन्ग हो जाते हैं मार्केटिंग टेक्निक्स में, वो होता है कि पहला, जैसे मैंने बताया कि उनको मार्केटिंग और प्रमोशंस के बारे में डिफरेंसेस नहीं पता होता है, उसमें वो गलत चले जाते हैं। और दूसरे, अगर वो मार्केटिंग करते भी हैं तो अपना मार्केटिंग फनल जो है वो क्रिएट नहीं करते। जैसे हो सकता है वेबसाइट नहीं क्रिएट की हो, ताकि अगर आप मार्केटिंग कर रहे हैं और लोग आपके वेबसाइट पे अगर नहीं देख पा रहे हैं तो शायद आपके कस्टमर्स चले जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आप अपना सेल्स फनल नहीं रेडी रख रहे हैं। मान लीजिए अगर आपको कस्टमर रीच आउट कर रहे हैं तो आपके पास एक स्ट्रेटजी नहीं है, कंटेंट नहीं है, आप क्या प्रोडक्ट सेल करते हो या सर्विसेज सेल करते हो इसका नॉलेज या आपकी टीम नहीं है, तो ये इसमें अक्सर क्या होता है कि मार्केटिंग करने के बाद भी आपके बिजनेस को ग्रोथ नहीं मिल पाता, क्योंकि अक्सर लोग इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक्स कर रहे होते हैं या शायद दोनों मिस्टेक्स कमिट कर रहे होते हैं। तो आपको मेक श्योर हमेशा ये करना है कि आप मार्केटिंग और प्रमोशंस के बीच में डिफरेंस जरूर समझें, और जब भी आप मार्केटिंग करने जाएं तो आपका जो मार्केटिंग सेल्स फनल है, जैसे ईमेल मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग, वेबसाइट के लिए आप जो करते हैं, ये सारी चीज के लिए आपके पास प्रॉपर लोग हों, जब भी कस्टमर आपको रीच आउट करे वो उनको उस सेक्टर में एडुकेट कर सके, और डेफिनेटली इस तरह से आपके यहाँ पे सेल्स के ग्रोथ बढ़ जाएगी। अक्सर जब भी लोगों के दिमाग में एक और चीज का रहता है कि जब भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं उस मार्केटिंग की वजह से आपको डायरेक्ट सेल्स आ रहा है। जी नहीं दोस्तों, ये जो धारणा है ये बहुत ही गलत धारणा है। आप जब भी मार्केटिंग करते हैं तो आप मार्केटिंग इसलिए करते हैं कि अपने कस्टमर्स के लिए आप एक ट्रस्ट एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट्स के लिए एक ट्रस्ट वर्दी आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं जिसे ट्रस्ट बना रह सके। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आप मार्केटिंग करते हैं उससे ट्रस्ट बनता है और उस ट्रस्ट की वजह से फिर आपके लिए सेल्स बढ़ता है। तो ट्रस्ट हमेशा जो होता है ये फैक्टर रहेगा ही रहेगा कभी भी मार्केटिंग के बारे में बात करने जाएं तो। तो सबसे पहला मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है नियर बाय मार्केटिंग। इसका ये मतलब होता है कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस को एक्सप्लेन करना अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और क्लोज के जो भी लोग हैं उनको एक्सप्लेन करने से आप शुरू करते हैं, ये होता है नियर बाय मार्केटिंग। आप उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं, वो लोग फिर उस प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहते हैं या फिर उस वो प्रोडक्ट खरीदते हैं, यूज़ करके उस पर आपको एक बहुत ही जेन्युइन फीडबैक देते हैं, कहीं ना कहीं आपके फर्स्ट कस्टमर ही बनते हैं, और इस तरीके से फिर आपके लिए ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। उनके तरफ से आपको टेस्टिमोनियल वीडियोज़ भी अगर मिलती है तो वो भी मैंने जो कहा जो ट्रस्ट फैक्टर है मार्केटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होने वाली होती है। तो इस तरीके से जब भी लोग फीडबैक देते हैं, टेस्टिमोनियल्स देते हैं, तो नियर बाय मार्केटिंग से आप डेफिनेटली अपना पहला मार्केटिंग स्ट्रेटजी आप स्टार्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैंने बोला कि फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं तो डेफिनेटली आपको उनको पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, आपसे इतना क्लोज भाई हैं, तो डेफिनेटली वो करेंगे ही आपके बिजनेस को प्रमोट करने की कोशिश, बिल्कुल करेंगे। जो दूसरा मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, जी हाँ, वो नेटवर्किंग ग्रुप होती है। इसका यह मतलब कि अक्सर आप अपने व्हाट्सएप पे आप अलग अलग विभिन्न प्रकार के ग्रुप्स में रह रहे होंगे। वो ग्रुप्स के हो सकता है वो फैमिली ग्रुप्स हो, वो बिजनेस ग्रुप हो, वो आपके स्कूल फ्रेंड्स के ग्रुप्स हो, वो आपके कॉलेज फ्रेंड्स के ग्रुप्स हो, बहुत तरीके के ग्रुप्स होती है। तो इस तरीके से इस नेटवर्किंग ग्रुप्स का भी आपको फायदा होता है। जैसे एक चीज और है कि मैं यहाँ पे BNI, जी हाँ, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल एक ग्रुप है, नेटवर्किंग ग्रुप है, जहाँ पे बिजनेस ओनर्स ज्वाइन करते हैं, वो एक दूसरे को रेफरल्स पास करते हैं और उस रेफरल से उनको बिजनेस आती है। तो एक BNI का भी नेटवर्किंग ग्रुप है जो कि बिजनेस से रिलेटेड ही है। तो हम उस ग्रुप में भी अपने आपके प्रोडक्ट्स को या प्रमोशंस को मार्केटिंग करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे लोगों को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में या सर्विसेज के बारे में उन ग्रुप्स पे भेजते हैं। जिन लोगों को उन पे इंटरेस्ट बनता है वो कहीं ना कहीं या तो उस ग्रुप में या फिर पर्सनली DM करके रिक्वेस्ट पूछते हैं, और इस तरीके
तरीके से नेटवर्किंग ग्रुप से भी आपकी मार्केटिंग बहुत ही अच्छा लेवल या फिर स्केल पहुंच सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं, जैसे मैंने BNI का बात किया, कितने भी नेटवर्किंग ग्रुप फ्रेंड्स रिलेटिव्स की बात है, कॉलेज फ्रेंड्स आपको कोई आइडिया नहीं कि इस टाइम पे क्या कर रहे, तो आपको आइडिया नहीं लग सकता है कि इस तरीके से आप मार्केटिंग करेंगे तो कौन लोग आपके बिजनेस से शायद रिलेट होकर आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और आपका बिजनेस का मार्केटिंग का एक बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव तरीका है बिना ज्यादा पैसा खर्च किए, या कह सकते हैं बिना पैसा खर्च किए। तीसरा जो मार्केटिंग टेक्निक होता है, जैसे कि अक्सर लोग को लगता है कि वो फेसबुक पे, गूगल पे जाके, या कह सकते हैं कि इंस्टा पे जाके अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना चालू कर दें और ये मार्केटिंग हो जाती है, तो कहीं ना कहीं लोग ये सोच देते हैं कि पैन इंडिया कवरेज हम कर रहे हैं या फिर ये सारी चीज़ें पैन इंडिया लोग देख सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोकल नेटवर्किंग को भूल जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो लोकल नेटवर्क भी एक बहुत ही स्ट्रांग और इफेक्टिव टूल है आपके मार्केटिंग के लिए। लोकल नेटवर्क के लिए सबसे पहला, या किसी के दिमाग में सबसे पहला चीज़ आता है, वो है गूगल में बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप गूगल में बिजनेस अपना प्रोफाइल बनाते हैं, इसलिए बनाते हैं क्योंकि आप लोकल नेटवर्किंग करना चाहते हैं। गूगल में बिजनेस से पूरा सीरीज हम लोग ने अपने डाला है, तो आपको क्लियर रहेगा कि लोकल नेटवर्किंग का मतलब गूगल में बिजनेस क्यों होता है। तो जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं गूगल में बिजनेस पे, तो आसपास के लोग जब उस प्रोडक्ट को चाहते हैं यूज करना, लेट्स से कि हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, तो आसपास के लोग यहाँ पे अगर सर्च कर रहे हैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर मी, तो उसमें वहाँ पे उनको सर्च में हमारा जो है प्रोडक्ट्स उनको दिखाता है, हमारा गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग दिखाता है। तो इस तरह लोकल नेटवर्किंग से भी आप अपना लोकल डिक्शनरी जो है, या कह सकते हैं लोकल डायरेक्टरीज है, वो एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इंडिया मार्ट है, जस्ट डायल है, इस तरह से भी काफ़ी चीज़ है। लोकल न्यूज़पेपर, आज के टाइम पे लगता होगा कि लोकल न्यूज़पेपर पे लोग अभी भी आश्रित नहीं है। जी हाँ नहीं दोस्तों, अगर आप लोकल न्यूज़पेपर स्पेशली उस पर आप अभी अपना एड्स डालेंगे, उससे भी डेफिनेटली आपका मार्केटिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो आप हमेशा ये मेक श्योर करें कि इस तरह के लोकल मार्केटिंग से अपना डायरेक्टरीज बना के अपने बिजनेस को जरूर मार्केट करें। जो चौथा मार्केटिंग टेक्निक है वो है कंटेंट मार्केटिंग। जहां दोस्तों आज के टाइम पे जहां पे AI से सारा चीज से कंटेंट बनाया जा रहा है, AI से आपको स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं, AI से आपको इमेजेस मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, कैप्शंस लिखा जा रहा है, वहां पे आपके लिए कंटेंट मार्केटिंग करना उतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको कंटेंट मार्केटिंग बहुत अच्छे से क्रिएट करना है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने सर्विसेज के लिए, ताकि आपका कंटेंट से ही आपका मार्केटिंग हो सके। जितनी अच्छी आप कंटेंट को क्रिएट करेंगे, जितना अच्छा हैशटैग्स अपने बिजनेस के नीश से रिलेटेड यूज करेंगे, जितना अच्छा टैग्स आप यूज करेंगे, उतना अच्छा कंटेंट मार्केटिंग आपके बिजनेस के लिए एक फ्री मार्केटिंग टेक्निक हो सकता है। क्योंकि अगर आप अच्छा कंटेंट डेली बेसिस पे अगर आपने चैनल पे आप डाल रहे हो, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली बढ़ रहे हैं। और जब भी जो फॉलोअर्स, मैंने कहा ऑर्गेनिकली बढ़ते हैं, इसका हमेशा ये मतलब होता है कि वो डेफिनेटली आपके लॉयल फॉलोअर्स हैं, और जब भी आप कुछ पोस्ट करेंगे उस पे उनका एंगेजमेंट आएगा ही आएगा। तो जब भी आप ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग की तरफ बढ़ते हैं, उसका फायदा हमेशा यही रहता है कि आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं, उस रेस्पेक्ट जो एंगेजमेंट्स होती हैं, उनका रेशियो बहुत ही अच्छा बना रहता है। सो अगर आप अच्छा कंटेंट पोस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली मार्केटिंग में आपको बहुत हेल्प यूज करेगा। इसलिए आज के टाइम पे कंटेंट मार्केटिंग बहुत ही इफेक्टिव टूल है अपने बिजनेस को फ्री मार्केटिंग करने के लिए। क्योंकि जैसे मैंने कहा, ChatGPT या Bard से आपको अच्छे स्क्रिप्ट्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे टूल्स है, गूगल एनालिटिक्स से आपको हैशटैग्स मिल सकते हैं, आपको काफ़ी फ्री पिक्स से अच्छे पिक्स मिल सकते हैं, टेम्पलेट्स मिल सकते हैं। तो बहुत सारे टूल्स आजकल आ गए हैं जिससे आप बहुत ही इफेक्टिव वे में, बहुत ही कम टाइम में अपने लिए कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं। जो पांचवा टेक्निक है वो है पेड मार्केटिंग। आप जब ये चारों चीज को फॉलो कर चुके होते हैं, तो अब शायद आपके लिए एक बिजनेस प्रोफाइल बन रहा होता है, तो एक समय आ जाता है कि जहां पे डेफिनेटली आपको पेड मार्केटिंग करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप यहां पे अपने फेसबुक पे, मेटा सूट्स पे, गूगल्स पे, जो लोकल डायरेक्टरीज जैसे कि हम लोग ने बताया गूगल में बिजनेस, उस पे आप जाके अपना मार्केटिंग करें, पैसा लगा के पेड मार्केटिंग करें। जी हाँ, पेड मार्केटिंग वो नहीं करें। आज के टाइम पे बेस्ट पेड मार्केटिंग जो कि एक रिसोर्स है, या फिर बेस्ट पेड मार्केटिंग का एक तरीका है, वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। जी हाँ, सो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जब भी आप करने जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि उससे आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन उस इन्फ्लुएंसर के प्रोफाइल पे भी होता है, और कहीं ना कहीं आपके प्रोफाइल पे भी होता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का ये मतलब होता है, आजकल बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं जिनका हर एक नीश होता है, उस नीश में वो अक्सर जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स,
100K फॉलोअर्स, 500K फॉलोअर्स वाले को भी इनमें कैटेगरी में गिना जाता है। तो आपके बजट के हिसाब से जो भी आप इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट कर सके, उस इन्फ्लुएंसर को सेलेक्ट करके आप अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को प्रमोट करवा सकते हैं उनके पेज पे भी और अपने पेज पे भी। और क्योंकि आप रील बेसिस ये प्रमोशंस करवा रहे हैं, तो आप कभी भी चाहें तो उस रील को वापस से फिर पे करके आप उसको सर्कुलेशन बढ़ा सकते हैं, उस रील्स की रोटेशन को आप बढ़ा सकते हैं, जिससे कि आपका जो मार्केटिंग जो है एक अच्छे इन्फ्लुएंसर की रील से काफी अच्छा बढ़ सकता है। तो दोस्तों ये रहा 5 मार्केटिंग टेक्निक्स जो आपके अगर बिजनेस स्टार्ट किए हैं और इनिशियली जब बिजनेस आप स्टार्ट किए हैं तो आप उतना हैवी बजट के साथ नहीं जा रहे हैं, तो ये 5 बिजनेस करने का तरीका है जो कि आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाला है। आप इस 5 टेक्निक को यूज करके अपने मार्केटिंग के लिए अच्छे अच्छे यूज या टेक्निक्स लाके अच्छा तरीके से मार्केटिंग कर सकते हैं, ट्रस्ट बना सकते हैं और तब सेल्स ला सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और साथ ही साथ अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे बिग फैक्शन ना की आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो दोस्तों बिग फैक्शन से बने लेके धन्यवाद, थैंक यू।